केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया जी, राम जन्मभूमि की धरती से चुनाव का आगाज कर रही हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, ये वो धरती है जहां से हमेशा अपना दल को बहुत स्नेह मिला है। इसी धरती पर आप देख सकते हैं आज जनता का हुजूम, कितनी अपार समर्थन लगातार अपना दल को मिलता आया है, और इसलिए हम सभी ने तय किया कि हम आज अपने लोगों के बीच में पहुंचेंगे और अपना दल की नीति, अपना दल के सिद्धांत, अपना दल के विचार और अपना दल के संघर्ष को उनके बीच पहुंचाएंगे। बात अयोध्या की हो रही है तो अयोध्या पर लिखी एक किताब सलमान खुर्शीद साहब की भी हो जाए। उन्होंने अपनी किताब में हिंदुत्व की बात की है, हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि अगर हम आतंकवादी संगठनों से तुलना करेंगे जो ना मानवाधिकारों की कोई सुरक्षा करते हैं, महिलाओं के अधिकारों का हनन करते हैं, तो मैं यही कह सकती हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी टिप्पणी करने वाले राजनेताओं को, और खुर्शीद साहब बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं, उनको ज़रूर चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए, इससे कांग्रेस के जो हाईकमान है उनको आगे नहीं आना चाहिए, उनको खंडन नहीं करना चाहिए, माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को तय करना है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हम सब सार्वजनिक जीवन में हैं, खुर्शीद साहब का भी एक लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है, और उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए कि वो किस आतंकवादी संगठन से तुलना कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल फिर होता है कि जब हम अयोध्या में हैं, या एक नारा हो चुका है जिसके साथ आप गठबंधन में, आप लोग भी नारे लगाते हैं कि जो राम का नाम लेगा या श्री राम के नारे लगाएगा, राशिद अल्वी कह रहे हैं वो राक्षस है। देखिए, मैं ऐसे विचारों के लिए बस यही कह सकती हूँ कि ये बहुत ही दुखद है, और हम सभी ने फिलहाल उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने का प्रयास किया है, चाहे भारत की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, निरंतर 5 वर्षों तक विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया है। और आप जानते हैं कि अभी प्रधानमंत्री जी जल्द ही दोबारा उत्तर प्रदेश आने वाले हैं, और 16 नवम्बर को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में जो विकास हुआ है, उससे ये अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आम जनमानस के मन तक पहुंच चुका है, और दोबारा हमें उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बात आपने शिलान्यास और लोकार्पण के किया, तो मुख्य विपक्षी दल के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि विकास तो हमने किया, केवल फीता काट रहे हैं आप। देखिए, सरकारें हमेशा निरंतरता में चलती हैं, एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आती है, और अगर किसी काम की शुरुआत पिछली सरकार ने की होती है तो अगली सरकार उसे पूरा करती है। लेकिन जहां तक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की बात है, तो हमने एक परंपरा, एक नई परंपरा जरूर डाली है कि जिस कार्य का शुभारंभ, जिस कार्य का शिलान्यास हम करते हैं, उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं। लगातार इस बात का प्रचार किया जाता है कि इस 5 साल में आपके गठबंधन की सरकार ने कुछ काम नहीं किया, केवल उन सरकारों ने किया और आप लोग झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर फीता काटने। देखिए, ऐसा है, किस सरकार ने काम किया है और किसने नहीं किया है, ये फैसला जनता को करने दीजिए। रही बात विपक्ष की, तो ये तो उनका कर्तव्य है, वो हमारी आलोचना ही करेंगे और हमें कटघरे में ही खड़ा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये चुनावी वर्ष है और हमें भी और विपक्ष को भी जनता की अदालत में जाना है। जनता को तय करने दीजिए किसने काम किया, किसने नहीं किया। रही बात अयोध्या, तो अयोध्या में तो आप भी आई हैं, आपके गठबंधन के लोग तो आते ही हैं, बाकी ऐसे ऐसे लोग भी आने लगे, वो ऐसी से लेके और तमाम दूसरी पार्टियों के, जो अयोध्या के रास्ते से गुजर तो जाते थे लेकिन कभी अयोध्या आते नहीं थे, अयोध्या का नाम नहीं लेते थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अब वो लोग भी यहीं आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये शुभ संकेत है, मैं इसे शुभ संकेत मानती हूँ। ये किसकी देन है? मुझे लगता है कि ये जनता की देन है, क्योंकि राजनेताओं को अगर जनता के दिलों में आना है तो उनके मन में क्या है ये समझना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से आप एक गठबंधन की भी बात हो जाए, अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर चले गए हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब जाएगी और उनके गठबंधन की लुटिया डूब जाएगी, कुछ होना नहीं है और हमारा जो गठबंधन है वही नंबर वन है और वही 400 के पार है। बिल्कुल सही, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें यही दावे करने पड़ेंगे अगर उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ना है। कोई भी ये दावे नहीं करता कि वो हारने जा रहा है, हर कोई यही दावे करता है कि वो जीतने जा रहा है, और मैं पूरे विश्वास से कह रही हूँ कि 5 साल तक जो विकास यात्रा यहाँ पर चली है उसके आधार पे हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। मैम, सवाल अगर हो जाए टिकटों को लेकर, तो आपके गठबंधन में आपको पिछली बार आपने 11 सीटें पाई, 200 जगहों पर आप विधानसभा प्रभारी बना रही हैं,
तो क्या 200 टिकट मांगेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की हर सीट पर तैयारी कर रही है, लेकिन अगर हमारे साथ गठबंधन में है तो वो भी जानती है कि हर सीट पर लड़ने नहीं जा रही है। उसी प्रकार अपना दल भी बड़ी संख्या में सीटों पर तैयारी कर रहा है और हमें भी मालूम है कि प्रदेश की हर एक सीट हम नहीं लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों दल गठबंधन में हैं, तो हम साथ में बैठकर सीटों का बंटवारा तय कर लेंगे और अपनी ताकत पैदा करनी चाहिए, तभी हम एक दूसरे को समर्थन कर सकते हैं और एक दूसरे को जिताने में हमारा कोई योगदान हो सकता है। बड़ा भाई कौन है? नहीं, बड़ा भाई तो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें कोई शक नहीं है, और बड़े भाई और छोटे भाई को आपस में मिलकर प्यार से काम करना है, छोटे भाई की भावनाओं का भी ख्याल रखना है और बड़े भाई की भावनाओं का भी। 11 सीटों में आपने 9 जीत ली थी, क्या स्ट्राइक रेट है आपका? आप तो कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी से भी ज्यादा सीटें आप लोगों ने 2017 में जीत ली थी, तो अब प्रियंका जी आई है, कुछ उम्मीद लगती है उनको, कुछ होगा, बढ़े उड़ेगा कुछ उनका? देखिए, प्रियंका जी आई है, उनका स्वागत है, उनकी पार्टी संगठन की स्थिति उत्तर प्रदेश में काफी दयनीय है और मुझे लगता है कि वो आई हैं तो अपने कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगी। रही बात अपना दल की, तो हम निरंतर कई वर्षों से लगातार आम जनमानस के बीच में बने हुए हैं और यही कारण है कि आज अपना दल प्रदेश से लेकर देश में सरकार में भागीदार है। एक सवाल है कि प्रियंका गांधी बहुत संघर्ष कर रही हैं, हर जगह जाती हैं, सड़कों पर घूम रही हैं, तो ये अचानक सड़कों पर घूमना, संघर्ष करना, आपको लगता है कि आपके गठबंधन को उससे खतरा है? हमारे गठबंधन को कोई खतरा नहीं है। चुनावी वर्ष में बहुत सारे नेता आते हैं, लेकिन जनता ये देखती है कि 5 साल तक लगातार किसने उनके बीच में आकर उनके दुख को, उनकी समस्याओं को समझा है और उनके लिए आवाज उठाने का काम किया है। राहुल जी को भी आना चाहिए क्या? नहीं, सबको आना चाहिए, उत्तर प्रदेश की धरती सबको पुकारती है, सब आए, अपनी अपनी किस्मत आजमाएं और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, जनता के लिए काम करें। आप आह्वान कर रही हैं अपने विपक्षियों को आने का, तो ऐसे में आपको लगता है कि वो आ जाएंगे तो आपका कुछ ठीक ठाक रहेगा कि कुछ बिगड़ेगा? अगर मैं इतना खुलकर सबको कह रही हूँ कि आप आइए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे मन में विश्वास है कि हमने अच्छा काम किया है, जनता के लिए निरंतर संघर्ष किया है और जनता हमारे साथ खड़ी है। जो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहे, लोकतंत्र में सबके लिए अवसर है। अच्छा ठीक है, अखिलेश जी का क्या भविष्य देखती हैं? वो तो कह रहे हैं 400। किसी के भविष्य पर टिप्पणी करने वाली कौन होती हो, हम तो अपने कर्म पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी अपना कर्म कर रही है, हमारे कार्यकर्ता, जनता हमारे साथ खड़ी है और सब कुछ अच्छा ही होगा। उनके गठबंधन का क्या भविष्य, ये बता दीजिए। मैं कौन होती हूँ उनके गठबंधन पे टिप्पणी करने वाली, जनता को तय करने दीजिए। मैं तो अपने गठबंधन पे टिप्पणी कर रही हूँ कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पूरी मजबूती के साथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हो।